नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में OnePlus 11R versus Vivo V35G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 11R में 6.43 इंच जबकि V35G में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो 11R में 2.93 इंच जबकि V35G में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो 11R में 0.34 इंच जबकि V35G में 0.29 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो 11R में 205 ग्राम जबकि V35G में 186 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 11R में सुपर फ्लूइड एमोलेड जबकि V35G में एमोलेड की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो 11R में 20:1:9 जबकि V35G में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 11R में 6.74 इंचेस जबकि V35G में 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 11R में 1240x2772 और V35G में 1260x2800px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 11R में 90.34% जबकि V35G में 89.91% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 11R में 451 पिक्सेल प्रति इंच जबकि V35G में 453 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 11R में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और V35G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 11R में 16 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और V35G की बात करें तो उसमें 12 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 11R में Adreno 730 जबकि V35G में Adreno 720 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 11R में Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 और V35G में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 मिलता है। बात करें RAM की तो 11R में 3 ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें 8GB, 16GB, 18GB की RAM मिलती है जबकि V35G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें 8GB, 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो 11R में 3 विकल्प देखने को मिलता है जिसमें 128GB, 256GB, 512GB की स्टोरेज मिलती है जबकि V35G में 2 विकल्प देखने को मिलता है जिसमें 128GB, 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो 11R में Android V13 जबकि V35G में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो 11R में 1 कलर्स जबकि V35G में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
11 आर में तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 39,700 रुपीस, 16 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 44,941 रुपीस, 18 GB रैम 512 GB स्टोरेज के साथ 45,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें V35G की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 31,980 रुपीस, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 35,999 रुपीस, 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 37,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो OnePlus 11R में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Vivo V35G की तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में 11R आगे है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 11R आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo V30 Pro 5G है, दूसरा Vivo X100 Pro 5G है, तीसरा Vivo Y200 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy S24 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।